Good evening, everyone. Hello, and welcome to this Goki show with me on Instagram. Hi, everyone. I am Mayuri. Dr. Paramjit is a very, very busy doctor, by the way. So, कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर परमजीत जब आते हैं तो पहले ओपीडी में होते हैं या इमरजेंसी वार्ड में होते हैं और हमारे साथ बात करते करते वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं या पेशेंट्स को ट्रीट करते करते हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब दे रहे होते हैं. सो लेट्स होप दैट टुडे ही हैज ऑल हिज टाइम फॉर अस एंड आई एम रियली होपिंग टू लुक फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन विद हिम बिकॉज सचमुच में विटामिन डेफिशिएंसीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है स्किन को हैंडल करना, क्योंकि एक बार स्किन पर चत्ते आ गए, दाग आ गए, यू नो मोर देन यू फीलिंग बैड अबाउट इट, आपको सुबह सुबह अपने आपको देखना ही है. लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं तो कुछ लोग बोलकर दिखाते हैं कि अरे तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया, अरे बहुत सारे दाग हो गए. ये फेस कर पाना ना क्या हमें पता नहीं है, मतलब हमें तो पता होता है कि हमारा चेहरा खराब हो रहा है, लेकिन लोगों के सवालों का जवाब देना और मुश्किल हो जाता है. हेलो डॉक्टर. हेलो हेलो, वेरी कलरफुल टुडे. थैंक यू. वंडरफुल, नाइस टू हैव यू हियर डॉक्टर. नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताएं? बस जी बढ़िया. अरे हाँ, तो जमील इनामदार पता नहीं क्यों कह रहे हैं मैम हैव यू मेट अक्षय कुमार. अच्छा, बिकॉज ऑफ गोकी. ओके, डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए ये सवाल. नहीं भैया, हमें हमें सिर्फ बोला गया अगर हम कभी हम मुंबई जाएंगे तो फिर हमें मिलाया जाएगा, हमें सिर्फ इतना बोला गया है. yes. नहीं है बिल्कुल. हाँ तो हाँ, साल में हमारा एक एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें नए लॉन्चेस वगैरह यू नो डिस्कस होते हैं. उसमें इस बार उम्मीद थी लेकिन आई थिंक कोरोना की वजह से वो प्रोग्राम भी नहीं हो पाया. सो वो इवेंट भी नहीं हो पाया. एनीवे, सो हम मिलेंगे तो आपको बता देंगे जरूर. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. फ्रेंड्स फॉर लाइफ ऑलवेज, हेलो. बहुत सारे लोग ज्वाइन हमारे साथ हो चुके हैं. सो डॉक्टर, आज हम बात करें विटामिन डेफिशिएंसीज की और ये हमारे चेहरे पर, हमारी त्वचा पर, हमारी स्किन पर कैसे अफेक्ट करता है. हम अपने चेहरे पे पहले लाइट डाल देते हैं थोड़ी सी. हाँ, कोई डेफिशिएंसी ना रहे. हाँ, थोड़ी त्वचा दिखे तो सही. क्या बात है, आज तो रौनक गज्जर भी हमारे साथ है. हेलो रौनक, हाउ आर यू डूइंग? रौनक गज्जर. कौन कौन से टाइप की, पहले तो आप बताइए डॉक्टर कि कौन कौन से टाइप की विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं? टेक्निकली तो देर आर सम, देखो विटामिन्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें जरूरत होती है जिनकी, एंड मेनली ऐसे विटामिन्स जो हमारे नेचुरल डाइट में कम होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है. राइट. टेक्निकली तो सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, बिकॉज आप कुछ विटामिन्स अपने रेगुलर डाइट में आराम से ले लेते हो, आराम से मिल जाती है, तो उसकी डेफिशिएंसी नॉर्मली नहीं होती. इंडियन डाइट, हर डाइट का अपना अपना हिसाब किताब होता है, तो अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो इंडियन डाइट में हमें नॉर्मल विटामिन सारे, जितने विटामिन में क्या है, देर आर फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल में ए डी ई के आता है. विटामिन के आपको मिल जाएगा हरे पत्ते वाली सब्जियों में, विटामिन डी आपको मिलेगा धूप से, तो धूप में नहीं जा रहे हो तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है. विटामिन बी 12 यानी बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स तो वैसे आपका कई सारे पेड़ पौधों में भी मिल जाएगा, सोयाबीन और बाकी सारे फूड ग्रेन्स में मिलेगा, लेकिन जो बी 12 है, बी 12 वो है, वो आपको मिलेगा बिकॉज दैट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो डेली चाहिए. लेना है तो दैट विल बी देयर ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड या एनिमल सोर्सेस, जैसे कि आपका दूध दही पनीर लस्सी छाछ और उसके बाद में अंडा चिकन फिश ऐसी चीजों में. और विटामिन सी आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में, आमला ऑरेंज इन चीजों में जो आप रेगुलरली खाते हैं. कुछ नहीं भी खाते हैं तो नॉर्मल खाने में भी विटामिन सी कुछ मात्रा.
विटामिन के, विटामिन ई, इनकी मेजरली कमी नहीं होती. ओके. इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन इनके इनके ज्यादा लेने से भी कई जगहों में फायदे होते हैं. जैसे लिवर की बीमारी में हम विटामिन ई ज्यादा देते हैं. विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है अपने आप में, और विटामिन ई लिवर के डैमेज को कम करने में, लिवर को हील करने में मदद करता है. सो विटामिन ई हम ज्यादा देते हैं लिवर वाले पेशेंट्स को, है ना. और हमने बताया ए डी ई के. विटामिन के जो है वो जरूर, उसमें भी के टू आता है. के टू नया है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है. के वन जो है वो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए जरूरी है. सो विटामिन के, लिटरली विटामिन के इंजेक्शन होते हैं. अगर कोई ब्लीडिंग कर रहा है तो विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ता है खून को रोकने के लिए, क्लॉटिंग के लिए. तो हर विटामिन का अपनी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस होता है. और भगवान ने ऐसा बनाया है सिस्टम कि आपके नॉर्मल खाने पीने से, नॉर्मल बाहर खेलने कूदने से आपका विटामिन डेफिशिएंसी, आपके विटामिन्स पूरे हो जाने चाहिए थे. फिर क्या होता है, हम थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं. हम सोचने लगते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम यही खाएंगे, हम एक बैलेंस्ड फूड नहीं खाएंगे. तो कई लोग क्या करते हैं, फिर अपने डाइट से नॉन वेजिटेरियन या वेगन हो जाते हैं, बिल्कुल दूध नहीं लेते. तो उनके केस में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होने लगती है. कई लोग क्या करते हैं, धूप में जाने बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ आजकल की मॉडर्न लाइफ. तो विटामिन डी, तो दीज आर द टॉप टू डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिंस. विटामिन अलग है, मिनरल अलग है. मिनरल में कैल्शियम, पोटेशियम, आपका मैंगनीज, आपका मैग्नीशियम, वो सब आएगा. सोडियम, सोडियम पोटेशियम, वो मिनरल्स हो गए. यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्ट्स एंड बात कर रहे हैं विटामिन. सो विटामिन आपके ए डी ई के आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी बॉडी स्टोर कर सकती है. आपके फैट में, आपके फैट के अंदर काफी स्टोर हो सकता है, लिवर में. और बी और सी ये स्टोर नहीं होता आपके ब्लड के अंदर, फैट के अंदर स्टोर नहीं होता है. बी ट्वेल्व आपका आपके लिवर के अंदर कुछ टाइम तक स्टोर हो सकता है, लेकिन इट स्टिल नीड्स टू बी टेकन डेली बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल. सेकेंडली हाँ, बी और सी के अच्छी बात यह है कि उसके ओवरडोज बहुत ही मुश्किल है. ओवरडोज होना, अगर आप मुंह से खा रहे हो दवाई, तो बहुत ही मुश्किल है बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल. अव्वल तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी जितना चाहिए. नहीं आपकी बॉडी, आपने सुना होगा ना कि दुनिया भर में लोग आजकल बोलने लगे हैं कि विटामिन्स आर वेस्ट, विटामिन्स सब वेस्ट है, पैसे बर्बाद हैं, विटामिन्स मत लो. ऐसा आज इंडिया के बाहर तो बहुत चर्चा होता है इस पे. उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है कि बॉडी को समझता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में, आपके घर में अगर पानी की टंकी है और फिर भी आप वो पानी की टंकी भरने के बाद भी आप पानी की मोटर चला के रखोगे, तो जो जा रहा है वो एक्स्ट्रा वेस्ट है. सही बात. जो ऊपर से निकल रहा है वो वेस्ट. आपकी बॉडी करती है कि आपकी बॉडी को समझता है कि हमारे अंदर ये विटामिन जो है भरपूर आ गया है, ब्लड के अंदर मात्रा आ गई है. बिल्कुल जैसे अगर आपकी बॉडी को इतना समझता है कि शुगर ज्यादा हो गई है, 180 से ऊपर यूरिन से निकालना शुरू करो. आपकी बॉडी को इतना समझता है कि शुगर 80 से नीचे जा रही है, 70 जा रही है, तो इनको चक्कर आने चाहिए, इनको सिग्नल दो कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है. राइट. ईच एंड एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय योर बॉडी. और उसको समझता है कि बॉडी कैल्शियम कम हो रहा है, आपका विटामिन्स कम हो रहे हैं. तो व्हाट दैट, वो बॉडी क्या करती है, अगर कम हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी. अगर ज्यादा है, ऑलरेडी भरपूर है, तो जो अगर खाओगे भी आप, उसमें से भी सिर्फ मात्र 10% एब्जॉर्ब होगा और बाकी 90% वेस्ट जाएगा. तो इसीलिए कहते हैं लोग कहते हैं, मुझे कई बार बोलते हैं कि सर हम जिंदगी भर एक मल्टीविटामिन ले लें क्या. लेने के लिए ले सकते हैं. एक नंबर एक, कई बार उसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी बॉडी को बहुत ट्रेस मात्रा में जरूरत है और वो एक्सेस होने के चांसेस होते हैं. नंबर दो, उसमें से हम ये मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि पहले 2-3 महीने में आपकी जो भी डेफिशिएंसीज होगी उसके वजह से पूरी होगी. उसके बाद आपका वहां पर 80-90% ऑफ दैट विटामिंस आर गेटिंग वेस्ट. राइट. सो इसीलिए विटामिंस का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, आपकी बॉडी की नीड समझनी पड़ेगी, आपके बॉडी के टेस्टिंग समझने पड़ेंगे. अगर आप धूप में नहीं जाते, आप धूप में नहीं खेलते कूदते,
देन यू नीड अ विटामिन डी सप्लीमेंट, वो जरूरी है, राइट। इसीलिए आज के डेट में बोला जाता है, बल्कि मैं भी कहता हूँ कि महीने में एक आधी बार एक 60,000 वाला विटामिन डी का सेशन ले लो, लेकिन कुछ अब बाहर के देश में वो 1,000 यूनिट वाला, तो हम 60,000 कह रहे हैं, वो 1,000 वाला 5,000 वाला रोज खाने के लिए बोल देते हैं। सो देर आर वेज ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, एंड देन कई लोग फिर उसको अपना प्रोडक्ट बना के बेचने भी लगते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आज के मार्केटिंग वाले वर्ल्ड में आपको बेसिक नॉलेज हो कि भाई आपकी जरूरत क्या है, आपकी डेफिशिएंसी क्या है, और किस विटामिन से क्या लक्षण आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरीबॉडी शुड नो दिस, एवरीबॉडी। तो आपने आपने आज सीरियसली विटामिन ई के बारे में जो बताया कि लिवर के लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा एसेंशियल है और आप लोग लिवर के लिए सजेस्ट करते हैं, हमें तो विटामिन ई के बारे में जो ऑब्वियसली आजकल तो खाने के तेल में भी, बालों के तेल में भी फोर्टिफाइड विथ विटामिन ई, फोर्टिफाइड विथ विटामिन ई, ये इतना भर भर के दिया जाता है, तो हमें तो लगता था कि विटामिन ई का सिर्फ और सिर्फ चेहरे और बालों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो, आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, और दैट्स ट्रू, लेकिन अल्टीमेटली इट इज उसका लिवर के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। लिवर, जिनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, लिवर को टॉक्सिसिटी है किसी प्रकार की, कोई है कोई भी लिवर के ऊपर, इवन कई लोगों के ऐसे ब्लड टेस्ट आते हैं LFT डिरेंज होते हैं, उनके केस में आप सेफली विटामिन ई दे सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता, कई बार नहीं पता आता, कई कई पेशेंट्स आते हैं जिनका सिर्फ लिवर फंक्शन डिरेंज होता है, लिवर फंक्शन में गड़बड़ी होती है। अरे वाह, आइए, उसे दरवाजा खुला चाहिए। आई हैव बीन थ्रू दैट सो आई नो। द पॉइंट इज क्या कह रहा था मैं, विटामिन ई के बारे में कह रहे थे कि लिवर के बारे में बहुत ज्यादा ये फायदेमंद देखा गया है। हाँ, लिवर में जिनके ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन में SGOT PT थोड़ा बढ़ा हुआ आ जाता है, वो सर्च मारने लग जाते हैं, उनको लगता है कि गूगल पे देख के हमें लिवर की बीमारी हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, कैंसर हो गया, फिर वो डरने लग जाते हैं ये फैटी लिवर है, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिडोसिस है, ये NASH है, क्या है क्या नहीं है। मोस्ट लोगों को कुछ नहीं होता, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स जस्ट अ लिवर एंजाइम। लिवर अगर SGOT PT एंजाइम बनाते हैं, दोज आर फॉर योर डाइजेशन। अगर लिवर के अंदर कहीं पर, ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं कोई भी चीज डैमेज होती है तो उसके अंदर का माल सारा बाहर आएगा, है ना। कोई भी चीज इन्फेक्शन होता है तो जहां भी इन्फेक्शन होता है वहां से भी ऊजिंग होती है, वहां से भी पानी निकलता है, और अगर वहां पे खून है तो खून निकलेगा। तो लिवर के अंदर अगर हम इवन पसीना जैसी बात मान सकते हैं, अगर हमें लिवर में अंदर स्ट्रेस्ड भी है, आप बाहर से खाना खाते हैं तो लिवर को उस हाईली, क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट ज्यादा होता है उसके अंदर बाकी सारे आप कह लो इवन बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर का खाना होता है, बिकॉज दैट इज नॉट कुक्ड इन अ हेल्दी वे, राइट। उसको डाइजेस्ट करने के लिए लिवर को ज्यादा एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं, ज्यादा मेहनत पड़ती है, वो जाके लिवर में अंदर इन्फ्लामेशन भी करता है, अल्कोहल जाके इन्फ्लामेशन करता है आपके, कुछ कई लोग स्मोकिंग करते हैं, कई लोग कुछ उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, वो जाके वो सारे आपका ये बढ़ा सकते हैं। इवन अब ये किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, अब ये किसी लिवर के अंदर कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, कोई TB हो, कोई ट्यूमर हो, अब केवल एक दो लेवल्स बड़े होने से हम ये तो नहीं बता सकते कि इसको क्या हुआ है। तो कई सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर ये रिपोर्ट देख लो, क्या मेरे को ये बीमारी है, ऐसा थोड़ी होता है ना। वो फिर मेरा उनको जवाब होता है कि भैया अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट अटैक ही आ रहा है ना। उसका मतलब ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पसीना आ रहा है तो बुखार उतर रहा हो सकता है, गर्मी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों को देखना पड़ेगा तब बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। वैसे ही लिवर के लिए एक इम्पोर्टेंट, ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको इवियन और एक सिंपल लिवर 52 जैसी चीजें जो डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट अच्छी हैं, तो लिवर को असिस्ट करने वाली बात हो जाती है, नथिंग मेजर है, ओके, जस्ट असिस्ट द लिवर।
वंडरफुल. कल्पना सोनी है, कह रही है गुड इवनिंग डॉक्टर. मल्लिकार्जुन नमस्ते. यहाँ इंस्टाग्राम पर मैम एनी टिप्स फॉर हेल्दी हेयर, जमिल इनामदार पूछ रहे हैं. सो अगेन विटामिंस आर एसेंशियल हियर टू फॉर योर हेयर. या विटामिंस में बायोटिन, आयरन, दी सेलेनियम, ये सारे बहुत जरूरी हैं आपके हेयर के लिए. प्रोटीन ये जरूरी है हेयर के लिए. विटामिन ई इज फॉर द टेक्सचर ऑफ द हेयर, इट्स नॉट फॉर हेयर. विटामिन ई इज नॉट फॉर हेयर ग्रोथ, नॉट फॉर स्किन ग्रोथ या हेयर बेटरमेंट. वो होता है कि विटामिन ई से वो थोड़ा नरिश होंगे. अच्छा, ओके ओके. और पानी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर, अलोंग विद ऑल ऑफ दिस, अब्सॉर्ब करने के लिए फॉर विटामिंस? अब्सॉर्ब करने से लेके हर जगह पहुंचाने तक पानी तो बहुत जरूरी है. और लिटरली इसके बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी तक जितने भी दुनिया में लोग हैं जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, चाहे वो ये बोले कि हमें विटामिन्स के रिजल्ट नहीं मिलते, हमें बॉडी बिल्डिंग में रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमारी बीमारी में हमें दवाइयों से रिजल्ट्स नहीं मिलते, या इवन यू नो कंफ्यूजन है, माइंड सही नहीं रहता, नींद अच्छी नहीं आती, रिजल्ट्स नहीं मिलते, एग्जाम्स में रिजल्ट्स नहीं मिलते, कहीं ना कहीं वाटर इनटेक उनका एक कम से कम पार्शियल, आधा या आधे से ज्यादा बहुत बड़ा रीजन है वाटर इनटेक. क्योंकि आपकी बॉडी में एवरी सिंगल मेटाबॉलिज्म नीड्स वाटर. आप एक एक गेहूं के आटे की रोटी नहीं बना सकते ना जब तक पानी ना हो. तो भैया कुछ नहीं, देयर इज नथिंग विच यू कैन डू विदाउट वाटर. पानी इज द वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी कई लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, उनकी डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा, भाई बॉडी में वो फैट इस्तेमाल तब करेगा ना जब उसके पास पानी होगा उस रिएक्शन के लिए. आप पानी नहीं पीते, लोग पानी नहीं पीते और कहते हैं कि अपने आप होना चाहिए, हम ड्राई फास्टिंग करेंगे. भाई ड्राई फास्टिंग कुछ दिनों के लिए काम कर सकती है बट नॉट ऑलवेज. सो एवरीवेयर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बालों तक अगर आपका न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, शक्ल देख के आप बता सकते हो कि इसकी स्किन जो है उस तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, स्किन हेल्दी नहीं है, स्किन जो है डार्क हो रही है, मरी मरी सी दिख रही है, ड्राई हो रही है, रुकी रुकी है, तो मॉइस्चर नहीं है, राइट, जार नहीं है, उसकी वाटर इंटेक में कमी है, वाटर इंटेक उसे बढ़ाना पड़ेगा. तो ये वाटर मतलब बहुत जरूरी है. चाहे कोई बीमारी हो, पहला काम है उस इंसान को डिहाइड्रेट करो. चाहे वो छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी, आप इमेजिन कर लो, हर बीमारी में पानी काम करेगा, हेल्प करेगा. एक्सेप्ट अगर आपको हार्ट की बीमारी है, और क्योंकि पानी को पुश करने का काम आपके हार्ट का है, पानी पियोगे तो खून में जाएगा, खून को पुश करने का काम हार्ट का है. अगर हार्ट कमजोर है तो आपको बोला जाता है पानी मत पियो. अगर हार्ट कमजोर है, लिवर कमजोर है या किडनी कमजोर है, ये तीन केसेस में बोला जाता है पानी मत पियो. क्योंकि किडनी की बीमारी में पानी निकालने का काम किडनी का है. क्योंकि आप पीते हो, जितना पीते हो, कहते कहते कई लोग कहते हैं सर आप जितना पानी पीते हैं यूरिन आ जाता है. भाई अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है. कौन सी बात हुई, है ना, भाई फ्लश में पानी डालोगे तो निकलना ही तो चाहिए ना, रहना थोड़ी चाहिए वहां पे, है कि नहीं? बिल्कुल, वाटर रिटेंशन की दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को. हाँ, ये तो अच्छी बात, जितना पानी पीते हो उतनी बार यूरिन आता है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हर 3 से 4 घंटे में एक बार यूरिन करना नॉर्मल है. तो दिन भर में 5 बार 4 बार यूरिन करना नॉर्मल है. अगर आपको हर घंटे में 2 बार हो रहा है, दिन भर में 15-25 बार हो रहा है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर है. उस केस में मेडिकेशंस होती हैं, कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, उस केस में टेस्ट्स होते हैं, यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उसका अलग इलाज है. दैट डज नॉट मीन यू स्टॉप वाटर, ठीक है, दैट डज नॉट मीन यू स्टॉप वाटर. सो देर आर इफ्स एंड बट्स. अगर आपको ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको दूध से एलर्जी हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि आपका B12 का सोर्स खत्म होने लगा है. तो B12 के मल्टीविटामिन में कोई ना कोई बी का सोर्स या बी बी कोई ना कोई बिकाडेक्सामिन या कोई ना एक मल्टीविटामिन आपको डालना पड़ेगा. तो आपको कुछ महीनों के बाद में सुनपना, आपके टिंगलिंग सेंसेशंस और दिमाग में मेमोरी प्रॉब्लम,
बहुत से सिम्टम्स आपके शुरू हो जाएंगे, पेट में छाले शुरू हो जाएंगे, अल्सर शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल थिंक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट देयर इज ऑलवेज सम वे, कहीं ना कहीं आपके हर एक एक्शन का रिएक्शन आपको आगे चल के दिखता है. बिल्कुल. सो पानी एक फ्री की चीज है और बेसिक जरूरत है उसी की, जितनी आई थिंक जो फ्री सोर्स ऑफ विटामिन है दैट इज द सन. विटामिन डी डेफिशिएंसी रैमी है जो कह रहे हैं कि उन्होंने लैब टेस्ट में अभी पिछले हफ्ते ही हैज फाउंड आउट दैट ही हैज द डेफिशिएंसी. और मुझे लगता है बहुत सारे लोग डॉक्टर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं, स्पेशली पीपल हु स्टे इंडोर्स, तो जिनका ऑफिस की वजह से हो या फिर उतना ज्यादा हम लोग बाहर निकलते नहीं है, एसी में घूमते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी लाजमी है. एंड आपको शायद ज्यादा पता होगा इस मामले में कि ये बहुत रैम्पेंट हो चुका है. सो इसका मैंने सुना है कि मूड पर भी असर होता है, नॉट जस्ट ऑन योर स्किन बट मूड पर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी असर कर जाता है. हाँ, बिकॉज सी हमारा कैल्शियम जो है वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर भी है. कैल्शियम एक हमारे न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन होता है उसमें हेल्प करता है. विटामिन डी नहीं होगा तो अल्टीमेटली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, अल्टीमेटली कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी. द प्रॉब्लम इज कि ये दिनों में नहीं होता, राइट? हमारी बॉडी में कैल्शियम स्टोरेज है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे इसका इफेक्ट महीनों बाद, कई बार महीनों बाद दिखाती है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में अंदर विटामिन की B12 या D की डेफिशिएंसी है. बट विटामिन डी इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन ऑल्सो, इज एसोसिएटेड विद मूड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है विटामिन डी और B12 की कमी से. आज के डेट में दुनिया भर में सभी डॉक्टर का एक एस्पेक्ट ये होता ही है, आपकी कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा हो उसका ये दिमाग में होता है कि आपका विटामिन लेवल्स कम तो नहीं होना चाहिए. दुनिया को पता है, नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन होना चाहिए कि एक इंसान उनके लाइफ में आप दो चार सवाल ये जरूर पूछो कि भाई आपके डाइट कौन सी लेते हो, वेज हो नॉन वेज हो, कितना रेगुलरली नॉन वेज लेते हो, धूप में जाते हो नहीं जाते हो, और पानी कितना पीते हो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर कोई डॉक्टर ये नहीं पूछ रहा तो मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है और ट्रीटमेंट का बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा. एक्सलेंट. सो कल्पना सोनी हमारे साथ है गोकीपर, वो यही पूछ रही है कि डॉक्टर फिर कैसे इंश्योर किया जाए कि स्पेशली वेज मील्स में हमें सारे के सारे विटामिन्स मिल जाए. देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेज मील्स में देर आर सम बहुत कम सोर्सेज हैं B12 के. वेज के लिए B12 और विटामिन डी ये दो इम्पोर्टेंट है, बल्कि ओवरऑल सभी के लिए विटामिन डी और B12 ही है. इवन इफ यू आर नॉन वेज, आज के डेट में कई सारे नॉन वेजिटेरियन लोगों को देखा जा रहा है कि उनके B12 की कमी आ रही है. सम वे इट इज पॉसिबल कि उनका भी ये बिकॉज ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है. उल्टा सीधा के जो दुनिया में प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना है, बाहर के चिप्स है, ये है, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या रीजन है, लेकिन ये आ रहा. तो विटामिन डी एंड B12 डेफिशिएंसी बहुत लोगों में आ रही है. इंडिया के अंदर तो ये बहुत कॉमन है, बाहर का मैं नहीं कह सकता. तो इंडिया के अंदर तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन सभी को है कि एक मल्टी विटामिन आपने ऑफ एंड ऑन लेते रहना चाहिए, और ओवरऑल B12 उसमें होता ही है, और आपका साल दो साल में एक बार B12 और विटामिन डी चेक होना चाहिए, राइट? तो इट्स नॉट सो बिग डील. आप एक हेल्थ चेकअप कराते हैं उसमें इंक्लूड हो जाता है विटामिन डी और B12, पता चले उससे बेटर कुछ है ही नहीं. उसके बाद आप उसको करेक्ट करने के लिए ले सकते हो. जो बेचारे नॉन अफोर्डिंग है उनके लिए सिंपल बीकासूल की गोली आती है, कैप्सूल आती है, वो भी बहुत है. बीकासूल अब तो जेड आ गया, बीकासूल जेड भी अवेलेबल है. विटामिन बीकासूल में बी कॉम्प्लेक्स भी है और विटामिन सी भी है, तो दोनों मिल जाएगा. जेड में जिंक भी है, वो भी अच्छी बात है. यू शुड टेक दीज विटामिन्स रेगुलरली. अब ऐसा है ना, दो दो महीने हो गए, तीन तीन महीने हो गए, चार महीने हो गए, उसके बाद डोंट टेक इट डेली. उसके बाद अल्टरनेट डे या हफ्ते में दो बार या फिर जब दिख गए तब खा लो ऐसा. डॉक्टर डॉक्टर
खा सकते हो, कोई भी बंदा खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड दीज नॉर्मली दीज विटामिंस आर ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसके साइड इफेक्ट्स तब हो सकते हैं अगर कोई इंसान मोर देन अ ईयर, साल दो साल हो गए और लगातार खाए जा रहा है अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड आप खाए जा रहे हो कि मैंने तो भैया ऐसा, कई लोग होते हैं न्यूरोबियन की गोलियां खाए जा रहे हैं, नसों में दिक्कत थी, डॉक्टर ने एक बार बताया था मेरे को दो साल हो गए खाते हुए, तो उनका बीटीवर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आदमी का 1000 तक 800 तक होना चाहिए, उनका 2000 निकल जाता है. कोई बात नहीं, बंद कर दो, थोड़े दिन में ठीक हो जाए. राइट राइट. जो आपने कहा डॉक्टर की बहुत बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बलजीत सिंह यहाँ पर वही कह रहे हैं पानी ज्यादा पिए तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है. कोई बात नहीं, एक्सरसाइज हो जाएगी, क्या दिक्कत है. लड़कों को तो कतई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनलेस एंड अंटिल आपकी उम्र ज्यादा है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आपको तो यूटीआई का भी रिस्क नहीं है. फीमेल लेडीज को फिर भी यूटीआई का रिस्क होता है बार बार यूरिन में जाने के लिए, तो उनके लिए भी हाइजीन प्रिंसिपल ज्यादा जरूरी है. अल्टीमेटली दिस इज मेरे हिसाब से ये कोई एक्सक्यूज नहीं है पानी कम पीने का कि यूरिन ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं. एक्सलेंट. डॉक्टर हर्षी हैं जो पूछ रहे हैं सर कैन बी टेक A1 काउ मिल्क दैट इज फ्रॉम अमेरिकन ब्रीड काउज, देसी की काउ A2 नॉट अवेलेबल. यस यू कैन टेक दैट. A1 A2 में बहुत ही माइनर फर्क है जिसके अंदर, यस ऑब्वियसली ये जैसा नॉन वेजिटेरियन भाषा में बताऊंगा थोड़ा सा, जैसा देसी मुर्गा और नॉर्मल मुर्गे में फर्क होता है, देसी अंडा और नॉर्मल अंडे में फर्क होता है, कि उसमें क्या होगा, थोड़े बहुत लैक्टोफेरेंस, थोड़े बहुत इम्यूनोग्लोबुलिन, थोड़े बहुत इम्यून सिस्टम वाले, थोड़े बहुत विटामिन न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे. नॉट द बेसिक प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट. प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स आर सेम. प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट आर सेम इन ऑल एग्स, ऑल चिकन, ऑल एवरीथिंग. जो दूसरा है उसके अंदर थोड़े और ताकत वाली चीजें होगी, इम्यूनोग्लोबिन होगा, दूसरी चीज होगी विच इज ऑब्वियसली बेटर फॉर यू, बट दैट डज नॉट मीन कि दूसरा वाला जहर है. That does not mean कि दूसरा वाला गलत है. See, like I said, उसको एक चीज को लेने से आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमक के बारे में लोग कहते हैं मिनरल सॉल्ट लेना चाहिए, टाटा नमक मतलब वो वाला, ये मतलब वो भी गलत, totally rubbish है. एक माइनर डिफरेंस पे बेसिस पे आपकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली. योर लाइफ विल ओनली बिकम बेटर ओनली इफ यू नो दीज बेसिक्स. हाँ बेटा, डांस ही अभी करेंगे. डांस, चलो चलो, डांसिंग का टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं डॉक्टर, सो आई थिंक आवर टाइम विद यू इज ओवर. थैंक यू सो मच फॉर you know, for allowing me to be a part of your class, and this is wonderful. Bye bye, good night everyone. Bye.